ये गुड़िया जो हमारे साथ में बैठी हुई आपको नजर आ रही है, ये पूरे हरियाणा की टॉपर है। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसने टॉप किया है, और अगर पूरे भारत की बात कर ली जाए तो सिक्स्थ रैंक किसका है? वो यू बोलते थे कि पढ़ोगे तो इतनी टॉप रैंक पे आ जाओगे, ये बात तो सच, ये बात सच भी निकली। डिफेंस में, एयरफोर्स में पर्टिकुलरली जाके ये देश की सेवा करना चाहती है। एज ए पेरेंट्स मेरा जितना भी सहयोग रहेगा मैं उसको आगे तक लेके जाऊँ, और साथ साथ और बच्चों पे भी ध्यान रखेंगे कि भाई और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले इनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। ये गुड़िया जो हमारे साथ में बैठी हुई आपको नजर आ रही है, ये पूरे हरियाणा की टॉपर है। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसने टॉप किया है, और अगर पूरे भारत की बात कर ली जाए तो सिक्स्थ रैंक किसका है, और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो उसमें भी इसने टॉप किया है, और एक मिलिट्री एग्ज़ाम को भी इसने पास किया है। और ये एक छोटी सी बच्ची है, इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे जाके इसने जो ऐसे जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर क्या कुछ करना चाहिए, या फिर जो और बच्चे होते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन ये बच्ची आज बन चुकी है। अर्पिता इसका नाम है, अर्पिता यादव, और इनके पिता का नाम राजेश यादव है। नेहरूगढ़ गांव की रहने वाली है, नेहरूगढ़ रेवाड़ी ज़िले का ही एक गाँव है। तो अब एक छोटे से माहौल से निकल करके जो बच्चा इतने ऊपर तक जाता है तो लाजमी सी बात है कि वो आपकी आंखों के सामने भी आना चाहिए, और उसकी जो अचीवमेंट है वो सभी को पता लगनी चाहिए। चलिए इसी गुड़िया से हम बात कर लेते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्पिता है। अर्पिता, बेटा जो आपने टेस्ट की तैयारी की थी वो किस प्रकार से की थी कि आप इस तरीके से जो क्वालिफाई कर रही हैं, पूरे हरियाणा को आपने टॉप कर दिया? मेरे पापा और मेरी मम्मा ने मेरी तैयारी करने में हेल्प करी थी, और मैंने कोचिंग ली थी। कोचिंग भी आपने ली थी। तो जो आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, तो पेरेंट्स घर पर क्या चीज़ें आपको बोलते थे मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा करना है ऐसा करना, कुछ बताते थे? वो यूँ बोलते थे कि पढ़ोगे तो इतनी टॉप रैंक पे आ जाओगे, ये बात सच भी निकली। ये बात सच भी निकली। अच्छा, अब आगे की क्या तैयारी है? अब आगे मैं बड़े होके एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, और अब मैं अगले स्कूल्स की तैयारी करने लग रही हूँ, RIMC जैसे उसकी तैयारी करने लग रही हूँ अभी मैं। अच्छा, अपने ही जैसे और जो बच्चे हैं, आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको क्या कहोगे? वो और तैयारी करेंगे तो वो आगे, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने कोई अलग तरीका अपनाया था? नहीं। कैसे करें वो तैयारी? बस मैंने सिंपल पढ़ाई की थी। सिंपल पढ़ाई की थी। क्या पूरे पूरे दिन पढ़ाई करना होता है या थोड़ी बहुत देरी पढ़ाई करना होता है? पूरे पूरे तो दिन तो नहीं, लेकिन बीच बीच में रेस्ट जरूर लेते थे। बीच बीच में रेस्ट जरूर लेते। अच्छा, फ़ोन का कितना प्रभाव है इसमें? फ़ोन अपने पास रखते थे या नहीं रखते थे? नहीं, वो मम्मी के पास ही रहता है। मम्मी के पास रहता था, आप फ़ोन से दूरी बनाए रखते? हाँ। तो जो और बच्चे हैं पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको फ़ोन से दूरी बनानी चाहिए या फ़ोन पास रखना चाहिए? दूरी बनानी चाहिए। दूरी बना लेनी चाहिए। अच्छा, कोई एक मूल मंत्र अगर आप बताना चाहें बच्चों को कि ऐसे आप करो तो क्या हो सकता है? वो अच्छी तरह पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का कहना माने तो वो इतना ऊपर पहुँच सकते हैं। इतना ऊपर पहुँच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सर, आप एक बार इधर आ जाएं। जो बच्ची के पिता हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप बताएं बच्चे की जो तैयारी है वो कैसे करवाते हैं आप लोग, या क्या कुछ आप लोगों ने ऐसा किया कि जो और बच्चे हैं वो इतना कुछ नहीं कर पाए और आपकी बच्ची ने कर दी? नमस्कार जी, मैं जी। पहले तो सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसको एक रिकॉग्नाइज किया है। बाकी सबसे बड़ा रोल तो बेटी की मेहनत का ही है कि इनके साथ और भी बच्चे मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये उनमें थोड़ा सा निखर के निकली है,
और इसका क्या है, इसका ये खुद की लगन ही है और इसकी मेहनत है, और कुछ इसके जो शिक्षण संस्थान के जो टीचर्स हैं उनका बहुत सहयोग है इसमें, उन्होंने भी जीत जान लगा के मेहनत की है और इसको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है जी। और इससे ज़्यादा तो ये है कि मेहनत ही सबसे ज़्यादा है, उसमें मोटिवेशन लगा लीजिए आप और हार्ड वर्किंग लगा लीजिए जी। अच्छा, एक जो पेरेंट होता है उसको अपने बच्चे से सिर्फ उम्मीदें रखनी चाहिए या फिर उसके लिए कुछ करना भी चाहिए या फिर अलग कुछ करना चाहिए कि बच्चे के ऊपर प्रेशर भी ना बने और उसके साथ साथ वो सफलता भी पाले? देखो, पेरेंट्स को क्या है, उम्मीद तो रखनी है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बच्चे को सही डायरेक्शन में मोटिवेट करना, उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, मोटिवेशन भी ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी है जी। तो आपने अपनी बच्ची के लिए आगे क्या सोचा है, फ्यूचर कहाँ सोचा? अभी देखिए, जो ये खुद का है, इसका डिफेंस में जाने का है कि ये डिफेंस में एयरफोर्स में पर्टिकुलरली जाके ये देश की सेवा करना चाहती है। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं एज ए पेरेंट्स, मेरा जितना भी सहयोग रहेगा मैं उसको आगे तक लेके जाऊँगा जी। हाँ, पूरा ध्यान मतलब रखेंगे कि, और साथ साथ और बच्चों पे भी ध्यान रखेंगे कि भाई और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले इनसे जी। तो आप जैसे और भी पेरेंट्स होंगे उनके लिए कोई संदेश? बस उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचाने और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं, उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही उनको अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। एक पेरेंट जो बात बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा जो प्रेशर है वो नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनका सहयोग ज़रूर करना चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ी बात है किसी भी अभिभावक के लिए, जिनके भी बच्चे ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। और बच्ची का जो कॉन्फिडेंस है वो तो आप देख ही रहे हैं, और बच्ची ने साफ तौर पे जो चीज़ें बताई हैं वो भी आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे एक बच्चे को अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अपने माँ बाप के साथ पेश आना चाहिए और कैसे अपने टीचर्स के साथ में भी बिहेव करना चाहिए और कैसे कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।